हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि यदि हनुमान जी के ऊपर आंकड़े की पत्ते की माला चढ़ा दी जाए तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन से हर प्रकार की भय व चिंता समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की पूजा में मदार के फूलों का भी प्रयोग किया जाता है। फूल चढ़ाते समय यदि फूलों के डंठल हनुमान जी की प्रतिमा की ओर हो तो सोने पर सुहागा होने वाली बात होगी। और साथ ही यदि आंकड़े की पत्ते की जो माला होती है यदि हनुमान जी पर चढ़ा दी जाए तो हर बिगड़ता काम बन जाता है। इस माला से हर कार्य की सिद्धि होती है। तो ये माला कैसे बनाएंगे ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले 108 आंकड़े के पत्ते को तोड़ लीजिए, उसके बाद उस पत्ते की माला बना लीजिए और हाँ, एक एक पत्ते पर सीताराम लिखते जाइएगा और उन 8 पत्तों में से एक ऐसा पत्ता रखना जो सादा हो, जिस पर सीताराम नहीं लिखना है। उन 108 पत्तों में से उस एक सादे पत्ते को जिसमें सीताराम नहीं लिखना है उसको अपने हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलकर उस पत्ते को उस माला में बांध देना है। ये जरूरी नहीं कि आप 25 पत्ते बांध लें तो उस सादे पत्ते को बांधें। उन 108 पत्तों में से किसी एक पत्ते पर सीताराम मत लिखना, बस उसी को अपने बाई हथेली पर रखकर अपनी इच्छा बोलकर उस माला में उस पत्ते को बांध देना। उसके बाद जब आपकी वो 108 पत्ते की माला बन जाए तो उस माला को लेकर श्री हनुमान जी महाराज को वो माला समर्पित कर देना। और एक बात और, इसके लिए आपको कोई तिथि नहीं लेनी, कोई दिन नहीं लेना, कोई समय निर्धारित नहीं। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। बस ये माला जब हनुमान जी को आप समर्पित करने जाएं तो हनुमान जी के सम्मुख एक घी का दिया और एक तेल का दिया लंबी बाती का लगा देना और मन ही मन अपनी मनोकामना को बोलकर घर आ जाइएगा। आप खुद देखेंगे आपकी जो मनोकामना है एक या दो महीना भी नहीं बीतेगा बाबा आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। बस आप भरोसे के साथ करना, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप भगवान पर भरोसा करेंगे तो भगवान आपकी बहुत जल्द सुन लेते हैं, इसलिए भरोसा रखना।